तो निश्चित रूप से इस प्रतिमा को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी तो अटल जी के उस राजनीतिक जीवन की ओर भी उसका ध्यान जाएगा जिसने लोकतंत्र का राजनीतिक इतिहास का एक पाठ्यक्रम तय किया। उन्होंने राजनीति में स्वच्छता और शुचिता का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आने वाले समय में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सदैव उनको जाना जाता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त उस बटन की तरफ ले जाते हुए जिस बटन को दबा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस महामानव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा निश्चित रूप से लखनऊ वासियों के हृदय में बसी हुई है क्योंकि राजनीति में भी जब अटल जी यहाँ पर सक्रिय थे तो हर व्यक्ति यह समझता था कि वह अटल जी के नज़दीक है। कई बार यहाँ से सांसद रहे, जीत और हार में कभी अंतर न करने वाले, सदैव संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने में बसाकर जीने वाले, राजनीति को जो है एक नई दिशा देने वाले महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक पाठ्यक्रम तय किया, उनकी प्रतियां का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके कैबिनेट के प्रमुख सहयोगी सब यहां पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से 25 दिसंबर जो कि अटल जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर यह ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिकता मिली है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह जो सचिवालय है, इस सचिवालय की भव्य इमारत में सबसे मुख्य द्वार पर अटल जी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से वर्षों तक भारत के लंबे राजनीतिक जीवन को जीने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद करेगी, उनके कृतित्व को याद करेगी। ये फोटो सेशन है, प्रधानमंत्री इस वक्त मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ और उनके वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इस आज के दिन को याद करने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए यहाँ पर, और धीरे धीरे प्रधानमंत्री अटल जी की उस प्रतिमा की ओर बढ़ते हुए जहाँ पर वो नमन करेंगे अटल जी का। वास्तव में अटल जी एक राजनेता नहीं थे बल्कि वो विचार थे। उनके विचारों की साम्यवादी सोच में कहीं ना कहीं समाज का वह अंतिम व्यक्ति था जिसके लिए उन्होंने अपने सारे जीवन कार्य किया। उन्होंने अंत्योदय की उस योजना को भी आत्मसात किया जिससे देश के हर व्यक्ति का भला हो सके। आज ऐसे लंबे राजनीतिक जीवन को जीने वाले, भारत के लोकतंत्र को, लोकतंत्र में मूल्यों को स्थापित करने वाले अटल जी को याद कर रहा है, यह देश भी याद कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। यह प्रतिमा सजीवता हमेशा लखनऊ को प्रदान करती रहेगी, साथ में भारतीय राजनीति को भी एक दिशा देती रहेगी। आज जब उनकी प्रतिमा के नीचे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के रक्षा मंत्री सारे लोग उनका नमन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 70 वर्षों का जो भारत का आज़ादी का इतिहास रहा है उस इतिहास में अटल जी का क्या योगदान रहा है, उस योगदान को भी नमन किया जा रहा है। अटल जी लखनऊ में कविताओं में जीवित हैं, अटल जी लखनऊ में राजनीति में जीवित हैं, अटल जी लखनऊ के हर चौराहों पर जीवित हैं। एक पीढ़ी जिसने 70 वर्षों तक लगातार जो है देश की सेवा की, राजनीति को उसने जिया ही नहीं बल्कि राजनीति को अपने कृतित्व से उसे बल प्रदान किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की और ऐसे मूल्यों की स्थापना की कि यह आज़ाद भारत सबल होकर के दुनिया के सामने खड़ा है। आज उन्हीं अटल जी को याद करने के लिए यह उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री अटल जी को नमन करने के बाद लोकभवन में अंदर सभागार में, जहां पर लखनऊ में स्थापित होने वाले अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और यह चिकित्सा विश्वविद्यालय जो की सोच है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी सोच में है कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय बने, यह एक ऐसी रचना हो। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो शिल्पकार हैं जिन्होंने अटल जी की इस प्रतिमा को गढ़ा है और इसे वो भव्य स्वरूप प्रदान किया है। राजकुमार पंडित नाम है इनका, इन्होंने एक लंबा जीवन जिया था, के हाथ में एक और स्मृति चिन्ह है जिसे शायद वो प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उस प्रतिमा को स्वीकार करने के लिए फोटोग्राफरों के करीब आते हुए उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल दोनों मौजूद हैं। मूर्तिकार की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री ने इस पीठ को थपथपा करके यह सुनिश्चित किया कि जो प्रतिमा उन्होंने गढ़ी है वह निश्चित रूप से
अटल जी के व्यक्तित्व से मेल खाती है। सभागार में प्रधानमंत्री धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए जहां चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना के अनुरूप यह चिकित्सा विश्वविद्यालय निश्चित रूप से 20,000 छात्र और स्टाफ के साथ जो है स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की है। उसके लिए और आगे भी व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से यह चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लोगों को, असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए एक मील का पत्थर होगा। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने आज अपने दिन भर के व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके अटल जी के याद करने के लिए, अटल जी को नमन करने के लिए उनकी कर्मभूमि पधारे। अटल जी की राजधानी लखनऊ कर्मभूमि रही है, यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की और यहीं से उन्होंने राजनीति के उस शिखर तक पहुँचने का काम किया जहाँ तक लोग पहुँचने की राजनीति में संभव ही कम कल्पना करते हैं। अटल जी का पूरा राजनीतिक जीवन विचारों से भरा हुआ था। वो एक पत्रकार थे, वे एक कवि थे, वो एक साहित्यकार थे और राजनीति के एक मझे हुए नेता थे। और यही कारण था कि देश में जब बड़े निर्णयों की बारी आई तो अटल जी ने कहा कि केवल मेरा मृदु स्वभाव ही नहीं है, कठोर व्यवहार भी है। परमाणु परीक्षण करके यह दुनिया को बता दिया कि भारत उनके नेतृत्व में सबल है, निर्बल नहीं है और वह किसी भी तरह की ताकत के सामने झुकेंगे नहीं बल्कि पूरी ताकत से पेश आएंगे। लोकभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा इस लोकभवन में उत्तर प्रदेश से राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा संस्मरण का विषय रहेगी, स्मरण का विषय रहेगी और निश्चित रूप से उनको राजनीतिक दिशा देती रहेगी। राजनीतिक दशा को, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में अटल जी की यह प्रतिमा निश्चित रूप से यहाँ के राजनेताओं को हमेशा याद आती रहेगी। सांसद रहे, यहां के लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव है वो आज इस सभागार में तमाम ऐसे लोग आए हुए हैं, उपस्थित हैं जो उनसे लंबे समय तक जुड़े रहे। श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी और श्रीमती कृष्णा देवी जी की संतान श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए विक्टोरिया कॉलेज, जिसे वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, जो ग्वालियर में स्थित है, वहां से पढ़ाई की और एमए की पढ़ाई राजनीति विज्ञान में डीएवी कॉलेज कानपुर से की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की, वो उसके संस्थापक सदस्य थे। वे 1957 में दूसरी लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनसंघ देश के प्रधानमंत्री महोदय लोकभवन के सभागार में पधार चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मॉडल को समझने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय शरणी मंच की ओर आते हुए, यह चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने को है। इससे लखनऊ के चक गजरिया क्षेत्र में स्थापित हो रहे इस विश्वविद्यालय से 356 मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज को संबद्ध किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं। न तो हम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्तिनाशनम। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंचासीन हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कि वे कृपया प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र से अलंकृत कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। एक जनपद एक उत्पाद का एक नमूना
मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों, तब तक नव भारत का निर्माण हो चुका हो, स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत। अत्यंत विनम्रता के साथ अब मैं लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हमारे भारत के यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी, उत्तर प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल बहन आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण जी दीक्षित, मंच पर बैठे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लखनऊ यह हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लंबे अरसे तक रहा है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से करना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि आज भारत की राजनीति के मर्यादा पुरुष और सशक्त एवं समर्थ भारत, भारत के स्वप्नदर्शी युग पुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है, और साथ ही भारतीय शिक्षा और संस्कृति के प्रति पूरी तरह जिनका जीवन समर्पित रहा है, ऐसे समाज के आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है। इन दोनों महानुभावों के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको और समस्त देशवासियों को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इन दोनों महापुरुषों की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने की बहुत ही सहज ही रूप से अपनी सहमति दे दी है, और मैं यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कभी इस बात की चर्चा की थी कि इसी सभागार के सामने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी, और उस काम को इन्होंने पूरा किया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अटल जी का जहां तक प्रश्न है, चूंकि यहां के प्रतिनिधि रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हमारे इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने आज तक अपने दिलों में संजो कर रखी है। आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी स्मृतियां आज भी हमारे अंदर पूरी तरह से अटल हैं और अविचल हैं, और जब अटल जी जैसा व्यक्तित्व तो इस दुनिया से चला जाता है तो वह अपने स्मृतियों की छाप, अपने यादगारों की ऐसी छाप छोड़ता है जो कि वह अटल होती है, जो कि वह अविचल होती है, और वही, और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि वह स्मृतियां अटल जी की, वह अटल अंश की मैं संज्ञा उसे देना चाहता हूं, और उसी अटल अंश से ही हर व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके
साधारण व्यक्ति से वह भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है, एक ऐसा महान व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। अपने प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व क्षमता से उन्होंने केवल नेताओं को ही नहीं प्रभावित किया था, केवल भारत के लोगों को ही नहीं प्रभावित किया था, बल्कि उन्होंने विश्व के लोगों ने, जिन लोगों ने भी उनकी व्यक्तित्व को सुना था, वह सभी प्रभावित थे, सभी इसकी वह सराहना करते थे। और इकलौते वह व्यक्ति थे जिनके बारे में पहले प्रधानमंत्री इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस व्यक्ति के अंदर मैं एक ऐसी प्रतिभा देख रहा हूं कि भविष्य का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। शायद अटल जी भारत की राजनीति के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में किसी ने वर्षों पहले, केवल उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, लोगों ने भी यह उम्मीद पाल रखी थी, लोगों को यह भरोसा था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं मन कितना बड़ा था 1971 में, जब कारगिल जो उस समय जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय इस बात की चिंता न करते हुए कि हमारी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, हमारी पार्टी का क्या होगा, केवल देश हित जिनके पूरे राजनीतिक जीवन में सर्वोपरि रहा है, उन्हें संसद में खड़े होकर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, और यह प्रशंसा करने में रंच मात्र भी उन्होंने संकोच नहीं किया था, एक ऐसा व्यक्तित्व था। दूसरे दलों में भी किस प्रकार की उनकी मान्यता थी कि आप सबको जानकारी होगी कि 1994-95 में जब कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना था, तो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नजर नहीं आया। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की नजर भी जाकर जिस व्यक्तित्व पर टिकी थी वह व्यक्तित्व था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने भारत के पक्ष को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया था। कैसी विराट सोच थी, कैसा विशाल व्यक्तित्व था। कहा करते थे सरकारें तो बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, राजनीतिक दल बनते हैं, राजनीतिक दल टूटते हैं, लेकिन देश और समाज किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, यह सभी हर भारतवासी को इस बात की चिंता करनी चाहिए। और मैं यहां पर यह भी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अटल जी ने पोखरण में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत एक न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में इमर्ज होकर आया था, लेकिन किसी को किसी प्रकार की सारी दुनिया में आशंका न रह जाए भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने के कारण, तो साथ ही साथ उन्होंने कहा था नो फर्स्ट यूज, इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया था कि भारत पहले कभी भी न्यूक्लियर आक्रमण दुनिया के किसी देश पर नहीं करेगा। एक ऐसा उनका विराट व्यक्तित्व था। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री उसी सुशासन और विकास, इन्हीं दो चीजों को लेकर भारत को आगे ले जाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मैं यकीनन मैं कहना चाहता हूं सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि 5-5.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने भारत में जिस प्रकार की गवर्नेंस दी है वह अपने में अनपैरेलल है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। विकास के आयाम, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं कि सभी उससे अच्छी तरह परिचित हैं। और इतना ही नहीं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश को लेकर जो जो चिंताएं थी और जो सोचते थे कि इन चिंताओं का समाधान होना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, उन समस्याओं को आजाद भारत के रूप में, आजाद भारत में यदि चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीकार किया। और सारी चिंताओं का निराकरण वह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़े। अटल जी सर्वधर्म संभाव कि सनातन भावना में बराबर आस्था रखते थे, सर्वधर्म संभव।
और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी सनातन भावना सर्वधर्म संभाव में पूरी आस्था रखते हैं। और यहां तक कि हमारे अटल जी भी कहा करते थे, प्रधानमंत्री जी की भी मैं सोच को अच्छी तरह मैं जानता हूं, सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो जाति पंथ मजहब अथवा धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वही सच्चा हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि दुनिया में किसी देश की धरती से किसी ने पूरे विश्व को अपने परिवार नहीं माना है, बल्कि यह संदेश यदि किसी देश की धरती से गया है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि दुनिया की सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं एक परिवार के सदस्य हैं, यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो भारत की धरती से गया है। आज इसी सनातन भाव को मन में सजोकर हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी अजात शत्रु थे, कैसे अजात शत्रु थे यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं मानता हूं कि आज भी वो हमारे प्रेरणा के पुंज हैं, जहां से हम सब आज भी बराबर उनसे शक्ति प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन आज लखनऊ में यह जो कांस्य प्रतिमा बनी है, मैं पूछ रहा था योगी जी से, उन्होंने बताया कि 20 टन की यह कांस्य प्रतिमा का यह निर्माण कराया गया है, प्रतिमा बहुत ही भव्य बनी है। मैं इसके लिए पुनः यहाँ की मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और साथ ही पुनः अपनी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी, पूरे लखनऊ वासियों की तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में बनवाई है। जनता को जनार्दन मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद कौशल किशोर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से उपस्थित सभी महानुभाव, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95वीं जयंती के पावन अवसर पर आज उत्तर प्रदेश सचिवालय के मुख्य भवन में उनके 25 फुट कांस्य प्रतिमा का अनावरण और उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं की संबद्धता के लिए उत्तर प्रदेश के पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। मैं पूरे प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की जन्मभूमि भी थी।
उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से ही सर्वे अटल जी के परिवार के लोगों ने ग्वालियर जाकर के अपने आगे के कार्यक्रम को वहां से प्रारंभ किया था। लेकिन जब कर्म भूमि चुनने की बात आई तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में पहली बार देश की संसद में पहुंचने और उसके उपरांत लगातार 5 बार लखनऊ से माननीय सांसद के रूप में देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचने का कार्य करते उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरदार अटल जी की प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 112 आकांक्षात्मक जनपदों का चयन किया है, बलरामपुर उनमें से एक है। उस जनपद में स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा के लिए KGMU लखनऊ के एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में एक मेडिकल कॉलेज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस की संबद्धता के लिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नाम पर आज उसका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कांस्य प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवालय के सम्मुख लगाया गया है। अभी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश के सचिवालय के इस मुख्य भवन में, जिसे हम लोक भवन के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आदरणीय अटल जी के, सरदार अटल जी के लोकतंत्र के प्रति, राजनीति में जीवन मूल्यों और आदर्शों के प्रति उस प्रतिबद्धता का सदैव हम सबको स्मरण कराएगा। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उस प्रगति का एक नमूना मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हम सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जिस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आपके कर कमलों से आज यहां पर होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश ने 1947 के पहले से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 15 जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध थी। 75 में से 15 जनपद ही ऐसे थे जिनमें 70 वर्षों में केवल मेडिकल कॉलेजेस की उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। लेकिन आपकी प्रेरणा से, आपकी अनुकंपा से और आपके द्वारा जब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत देश के अंदर उन सभी क्षेत्रों को मेडिकल एजुकेशन से आच्छादित करने की कार्यवाही प्रारंभ हुई, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि विगत 2.5 वर्ष के दौरान 45 जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हो रहे हैं जिनमें एक एक मेडिकल कॉलेज उन सभी जनपदों के अंदर होने जा रहा है, जिसमें इसमें 7 मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष हम लोगों ने प्रवेश भी लिया है, 8 मेडिकल कॉलेज में इस नए सत्र में हम प्रवेश लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ स्टेट राज्य सरकार के द्वारा भी बलरामपुर और जौनपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ की गई है और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। इस मेडिकल कॉलेज से अभी प्रारंभ, हम इसको मेडिकल कॉलेज हमारा जब तक भवन इसका प्रथम फेज का प्रारंभ बन करके तैयार होगा, तब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में इसे अस्थायी रूप से संचालित करने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें
गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 40 तत्काल इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 17 डेंटल कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 210 नर्सिंग कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं और 89 पैरामेडिकल के कॉलेजेस, यानी कुल 356 संस्थाओं की संबद्धता इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से तत्काल प्रारंभ होने जा रही है। और आने वाले समय में जब ये 8 इस सत्र में प्रारंभ होने वाले और 13 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने की जो कार्रवाई इसके उपरांत प्रारंभ होने जा रही है, 21 ये नए मेडिकल कॉलेजेस भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश चला है और खासतौर पर एम्स, गोरखपुर का एम्स न केवल ओपीडी उसकी प्रारंभ हुई है अपितु इस सत्र में जुलाई में उसमें भी प्रवेश हुए हैं। रायबरेली एम्स में ओपीडी के साथ साथ वहां पर भी एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और इनके द्वारा निरंतर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की उन संकल्पना के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। सरदेव अटल जी के प्रति यही हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है जो उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया था वह संकल्प आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वह आवास का क्षेत्र हो, शौचालय का क्षेत्र हो, विद्युत के कनेक्शन का हो, ऊर्जा के लिए रसोई गैस का हो, या फिर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, यह अपने सदैव नेता के प्रति यह एक विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से उत्तर प्रदेश में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पावन करुण भूमि पर उनकी इस 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा के लोकार्पण और उन्हीं के नाम पर स्थापित होने जा रहे इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन हम सबको आज प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं विनम्रता पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया बटन दबाकर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास करने की कृपा करें। मान्यवर, यह चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ से गहरा रिश्ता रहा है। राष्ट्र धर्म के संपादन से लेकर संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हुए वे 7 दशकों तक इस नगर से जुड़े रहे। श्रद्धेय अटल जी लिखते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी धरती के प्रतिनिधि श्रीमान राजनाथ सिंह जी, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, दिनेश शर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नारायण दीक्षित जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण,
यूपी के सांसदगण और उपस्थित देवी और सज्जनों, लखनऊ के सांसद ने मेरा स्वागत किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, तो काशी का सांसद धन्यवाद कहता है। आज मेरा सौभाग्य है कि महत्वपूर्ण दूसरे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है और दोनों कार्यक्रम में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी को वंदन करने का, उनके विजन को सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां आने से पूर्व मैं दिल्ली में अटल जल योजना का शुभारंभ कर रहा था। 6000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश के 7 राज्यों में भूजल के स्तर को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही आज हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल के नाम पर किया गया है। ये भी संयोग है कि आज सुशासन दिवस के रूप में जब हम मना रहे हैं, तब यूपी का शासन जिस भवन से चलता है वहां अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उनकी ये भव्य प्रतिमा लोक भवन में कार्य करने वाले लोगों को सुशासन की, लोक सेवा की निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। साथियों, इसके अलावा अटल जी को समर्पित अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है, जो लखनऊ बरसों तक अटल जी की कर्मभूमि रहा, अटल जी की संसदीय सीट रही हो और वहां आकर शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान का शिलान्यास करना, जिसको भी अवसर मिलेगा वो जीवन में इसे अपना सौभाग्य मानेगा। मेरे लिए भी आज ये सौभाग्य की पल है। जब अटल जी यहां से सांसद थे तब उन्होंने यहां विकास की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया था। रिंग रोड का काम हो, पुराने लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम हो, यहां के एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना हो, बायोटेक पार्क हो, लखनऊ को नई पहचान देने वाले सैकड़ों काम अटल जी ने किए थे। अब सांसद के तौर पर श्रीमान राजनाथ जी इस विरासत को संभाल रहे हैं, संवार भी रहे हैं। साथियों, अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और
गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है। सुशासन भी तभी तक संभव नहीं है जब तक हम समस्याओं को संपूर्णता में, समग्रता में न सोचेंगे, न उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। मुझे संतोष है कि योगी जी की सरकार भी समग्रता की इस सोच को साकार करने का भरसक प्रयास कर रही है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी उसी सोच को परिलक्षित करती है। ये यूनिवर्सिटी यूपी में मेडिकल की पढ़ाई और उसको समग्रता देगी, संपूर्णता देगी और पाठ्यक्रम से लेकर के परीक्षा तक इसमें एक सूत्रता होगी, एक रूपता होगी और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा। मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग हो, चिकित्सा से जुड़े हर कोर्स, हर डिग्री को देखकर और इसी की देखरेख में ये विश्वविद्यालय इस सारी व्यवस्थाओं को, विधाओं को आगे बढ़ाएगी। सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निजी मेडिकल संस्थान हो, सभी की एफिलिएशन इसी यूनिवर्सिटी से अब होने वाली है। एक समान शैक्षणिक सत्र कैलेंडर लागू होगा, परीक्षाएं तय समय पर होंगी, पारदर्शी तरीके से होगी। इस यूनिवर्सिटी के बनने से यूपी में मेडिकल की पढ़ाई की क्वालिटी में और भी सुधार आने वाला है। साथियों, यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ सेक्टर के विकास के लिए हमारा विजन और डायरेक्शन दोनों पहले ही दिन से स्पष्ट रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार का रोड मैप है, पहला प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उस पर बल दिया जाए। दूसरा अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसका जितना ज्यादा विस्तार हो प्रयास किया जाए। तीसरा सप्लाई साइड इंटरवेंशंस, यानी इस सेक्टर की हर डिमांड को देखते हुए सप्लाई को सुनिश्चित करना। और चौथा मिशन मोड इंटरवेंशन, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चलाना। आप सरकार की तमाम योजनाओं को देखेंगे तो वो इसी राह से गुजरती हैं, इसी मैप पर आगे बढ़ती है। साथियों, बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बीमार होने से ही बचा जाए, यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। और इसके लिए जितना ज्यादा प्रमाण में हम लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूकता होगी, जितना ज्यादा सामान्य मानवीय इसे लेकर गंभीर होंगे उतना ही उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ होगा। स्वच्छ भारत एक प्रकार से अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बड़ा अभियान है तो योग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जीरो कॉस्ट हेल्थ केयर है। उज्ज्वला योजना से धुएं से माताओं को मुक्ति दिलाना, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काम है। तो दूसरी तरफ
देश के हर नागरिक को फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बना करके उसको भी फिट रहने के लिए प्रेरित करना। इसके साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल होलिस्टिक हेल्थ केयर की मांग बढ़ती चली जा रही है, हर कोई साइड इफेक्ट से बचना चाहता है और उसमें आयुष आयुर्वेद ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ऐसे हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हम जितना बल दें उतना हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी चिंताएं कम होती जाती है। एक तरफ जहां इससे कम्युनिकेबल डिसीज की रोकथाम में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली के कारण जो बीमारियां आती हैं उन बीमारियों को दूर करने में भी ये कारगर साबित हो रही है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ही एक कड़ी है, देश के ग्रामीण इलाकों में 125,000 से ज्यादा वेलनेस सेंटर का निर्माण। ये सेंटर बीमारी के शुरुआती लक्षणों उसको पकड़कर शुरुआत में ही उनके इलाज में मददगार साबित होंगे। इसी तरह सरकार का विशेष जोर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के विस्तार पर भी रहा है। हमने नई वैक्सीन जोड़ने के साथ ही दूर दराज वाले इलाकों में भी टीकाकरण अभियान पहुंचाने में सफलता पाई है। इन दिनों हम लोग, और मैंने कानपुर में इसको लॉन्च किया था, पशुओं के आरोग्य को लेकर के फूट एंड माउथ डिसीज वाला, ये भी पशु का आरोग्य भी ह्यूमन एलिमेंट के लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम आता है। अगर पशु बीमार नहीं है तो बीमारी फैलाने का वो कारण भी नहीं बनता है। यानी एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच हमें आवश्यकता के अनुसार बल देते हुए आगे बढ़ाना होगा। साथियों, हेल्थ केयर के दूसरे आयाम यानी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने देने के लिए, इसके लिए भी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत के कारण देश के करीब 70,00,000 गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। यह आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, उसकी टोटल जो जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत में आयुष्मान के लाभार्थियों की सूची है। और इतने कम समय में 70,00,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है, और ये वो लोग हैं जिसमें ज्यादातर ये मान करके बैठे थे कि अब मृत्यु का ही इंतजार अच्छा होगा, जितने जल्दी मौत आ जाए उतना अच्छा होगा, जितने दिन तक कष्ट झेल सकते हैं, बीमारी झेल सकते हैं, झेलते रहेंगे, लेकिन बच्चों को कर्ज में डुबो करके हेल्थ के लिए कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन करवाना नहीं है, हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, सब कुछ आशा छोड़ चुके थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आने के बाद उनको एक नई जिंदगी, नया विश्वास, नया उत्साह मिल गया और एक रुपये के खर्च के बिना 70,00,000 लोगों का उपचार हो गया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रियता दिखाई है। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 11,00,000 ऐसे परिवारों लोगों ने इसका लाभ लिया है, 11,00,000 लोगों। इसी तरह जन औषधि योजना, इससे सस्ती दवाइयां मिल रही है, यानी जो दवाई बाजार में जाकर के आप लेने जाते हैं 100 रुपया लगता है,
जन औषधि केंद्र है वो 30-40 रुपए में मिल जाती है। जिनको परमानेंट दवाइयां लेनी पड़ती हैं उन लोगों को महीने का 800, 1000, 1200, 1500 रुपए तक का बिल की बचत हो रही है। यानी ये पूरे देश में जन औषधि केंद्र बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और लोग जन औषधि केंद्र की दवाइयों को पसंद कर रहे हैं। वहीं स्टैंड्स हो, नी कैप्स की कीमतों में भी काफी कमी लाई गई है। साथियों, जैसे जैसे गरीब से गरीब को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है वैसे वैसे हेल्थ केयर की डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो नए नए अस्पतालों, नए नए क्लिनिक, नए नए नर्सिंग होम बनने का रास्ता खुला। पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है। एक प्रकार से ये हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है और इसका बहुत बड़ा लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। बीते 2-3 वर्षों में ही यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से अनेक या तो शुरू हो चुके हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है। साथियों, सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड में राष्ट्रीय पोषण अभियान समेत अनेक नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। टीबी को भारत से वर्ष 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। देश के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में, बीमारी पर होने वाले उनके खर्च को कम करने में ये 4 आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे इस अभूतपूर्व काम का लाभ यूपी में भी देखने को मिल रहा है। इस वर्ष एंसेफेलाइटिस इसके मामले में योगी जी और उनकी टीम ने और यूपी की जनता ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी, दुनिया के मान्य इंस्टीट्यूशन ने भी उत्तर प्रदेश की इस सफलता को सराहा है, उसकी प्रशंसा की है। स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव गांव तक सुलभ कराने का जो अभियान यहां की सरकार ने चलाया है वो यूपी के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष के काम को हम और तेज करें ताकि आने वाले समय में यूपी का हर बच्चा सुरक्षित रहे, हर नागरिक स्वस्थ रहे। साथियों, आज सुशासन दिवस पर ऐसे समय में जब हम नए वर्ष और नए दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहिए। अटल जी कहते थे कि हर पीढ़ी के भारत के प्रति, भारत की प्रगति में योगदान का मूल्यांकन 2 बातों के आधार पर होगा और ये दोनों मानदंड हर नागरिक के लिए है। हम कोई भी काम करें उन दोनों मानदंड को हमारे सामने रख करके करें। अटल जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है उन 2 में पहला है, हमें जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया है, ये पहला मानदंड है।
विरासत में समस्याएं आई हैं, आती हैं, लेकिन हमने जो विरासत में मिली वो कितनी समस्याओं को सुलझाया है। और दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से, इनिशिएटिव से कितनी मजबूत नींव रखी है। साथियों, इन दोनों सवालों के आलोक में आज हम कह सकते हैं कि 2020 के साल में भारत अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ प्रवेश कर रहा है। हमें विरासत में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और चुनौतियां मिली, उनके समाधान की निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बीमारी थी, कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए, और हुआ, आराम से हुआ। सबकी धारणाएं चूर चूर हो गई, राम जन्मभूमि का इतना पुराना मामला, शांतिपूर्ण समाधान, भारत आजाद हुआ, विभाजन हुआ तब से लेकर के लाखों गरीब, उसमें भी ज्यादा दलित है, वंचित है, शोषित है, पहने कपड़े पहन करके अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है। इस आत्मविश्वास से भरा हुआ हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है, एक नए दशक में कदम रख रहा है। और अभी भी जो बाकी है, उनके समाधान के लिए भी पूरे सामर्थ्य के साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है। चाहे हर गरीब को घर देना हो, चाहे हर घर जल पहुंचाना हो, कितनी ही बड़ी चुनौतियां होगी, हम चुनौतियों को चुनौती देने के स्वभाव को लेकर के निकले। साथियों, 2014 से लेकर 2019 तक के कालखंड में हमने चुनौतियों को चुनौती देने का एक भी मौका छोड़ा नहीं। 2014 से पहले देश की आधे से अधिक आबादी के पास शौचालय नहीं था, अब शौचालय पहुंच चुका है। करोड़ों गरीब परिवार, हमारी माताएं बहनें रसोई घर में धुएं में जिंदगी गुजारती थी, अब हर घर तक गैस पहुंच रही है। हजारों गांव, हजारों परिवार अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे, अब उनके घर में बिजली पहुंच रही है। आधे से ज्यादा आबादी बैंक से दूर थी,
उसके लिए बैंकों के दरवाजे खोले हैं। करोड़ों गरीब परिवार के पास अपना घर नहीं था, करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों के घर बन चुके हैं। 2022 तक हर गरीब जो बेघर है उसको अपना पक्का घर देने के लिए काम तेजी से चल रहा है। गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का काम, रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है और साल 2024 तक हर घर जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी हम पूरी तत्परता के साथ जुट चुके हैं। यही समाधान न्यू इंडिया की प्रगति के लिए ठोस नींव तैयार कर रहे हैं। इसी ठोस नींव पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का झोर लगाते हुए देश को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ताकि करोड़ों भारतवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठे, गरीब से गरीब को भी गरिमा और सम्मान का जीवन मिले। साथियों, यही तो सुशासन है, यही तो सुराज है जिसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मालवीय जी सहित तमाम राष्ट्र निर्माताओं ने की थी। हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र की को सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी भाव और स्वभाव के साथ हम सब जुटे हुए हैं। साथियों, हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार से सत्ता सुख को निकालकर सेवा के संस्कार घड़े जाएं। ये तभी संभव है जब सामान्य मानवी के जीवन में सरकार का दखल जितना कम हो कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास है कि सरकार अटकाने के बजाय, उलझाने के बजाय सुलझाने का माध्यम बने। आप अगर इस सरकार का मूल्यांकन करेंगे तो यही कोशिश हर कदम पर आप महसूस करेंगे। अब देश दस्तावेजों के, अटेस्टेशन के, सत्यापन के दौर से बाहर निकल रहा है। आपने खुद से प्रमाणित कर दिया, खुद जिम्मेदारी ले ली, यही सरकार के लिए काफी है। आज अधिकतर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र तक ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन है। पहले जहां कागजों, दस्तावेजों और सरकारी दफ्तरों के फेर में ही एक सामान्य व्यक्ति फंसा रहता था, अब जीवन बहुत आसान हो रहा है। साथियों, हम सुशासन के उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जनता को आवेदन की जरूरत न हो बल्कि सरकार उनके घर जाकर निवेदन करें कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं है। आप देखेंगे कि जनहित की जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, उनमें लाभार्थियों के चयन से लेकर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक का, डेटा साइंस का भरपूर उपयोग हो रहा है। बेनिफिट डायरेक्ट हो और डिलीवरी क्विक हो, टारगेटेड हो, यह हमने सरकार की कार्य संस्कृति में लाने का प्रयास किया है। इसी से
पारदर्शिता भी आ रही है, जनता की सेवा भी तेजी से हो रही है और देश के ईमानदार करदाताओं का पैसा भी बच रहा है। साथियों, आज अटल सिद्धि की इस धरती से मैं यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आग्रह करने आया हूं। आजादी के बाद हमने बराबर देखा है, आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब जब हम आजादी के 75 साल की ओर बढ़ रहे हैं, आजादी के दीवानों के सपनों को आज अगर हम तोलते हैं तो समय की मांग है कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो, लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों पर भी उतना ही बल देना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका ये रास्ता सही था, उनकी प्रवृत्ति योग्य थी। ये जो कुछ जलाया गया, बर्बाद किया गया, क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था। इस प्रदर्शन में, हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो सामान्य नागरिक जख्मी हुए, जो पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रति पल भर हम सोचे क्या बीतती होगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि झूठी अफवाहों में आकर हिंसा करने वालों को, सरकारी संपत्ति तोड़ने वालों को मैं बहुत आग्रह से कहना चाहूंगा कि बेहतर सड़क, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तम सीवर लाइन नागरिकों का हक है, तो इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना भी तो नागरिकों का दायित्व है। हक और दायित्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है। उत्तम शिक्षा, सुलभ शिक्षा हमारा हक है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों की सुरक्षा, शिक्षकों का सम्मान, ये हमारा दायित्व भी है। चिकित्सा सुविधा हमारा हक है, लेकिन डॉक्टरों का सहयोग और सम्मान करना हमारा दायित्व भी है। सुरक्षित माहौल मिलना हमारा हक है, लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना यह हर नागरिक का दायित्व है। हक की एक मर्यादा है, दायरा है, उसका एक दायरा है, सीमा है, लेकिन दायित्व की, कर्तव्य की भावना बहुत ही व्यापक है। साथियों, ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए, सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सरकार का दायित्व है, यह है कि वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि 5 पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करने की आदत बनाए। मुझे संतोष है कि यूपी सरकार अपने इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ, आप सबको भी अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ, कुछ दिनों के बाद
नया वर्ष प्रारंभ होगा, इस नए वर्ष के भी जब बहुत दूर नहीं है, सप्ताह बचमर है, आप सभी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को वर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।